मुरादाबाद में बनेगा विश्व का पहला मैट्रिमोनी पार्क, जिसकी जानकारी के गुप्ता ने देते हुए बताया कि हाँ देखिए, हमारी कंपनी है मौर्सी का पहले अभी इन्वेस्ट यूपी जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, उसमें हमारा एक एमओयू साइन हुआ है लगभग 1,000 करोड़ और उसमें हम लोग वर्ल्ड का पहला मैट्रिमोनी पार्क बनाएंगे। काफी बड़ी प्रोजेक्ट है और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उत्साहित है इस इन्वेस्ट यूपी को लेकर के, और एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसे बहुत जल्दी ही धरातल को उतारने के लिए गवर्नमेंट और उसके सभी विभाग लगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पर टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है, वर्ल्ड का पहला मैट्रिमोनी पार्क होगा। हम सब जानते हैं कि विवाह जो है व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा उत्सव होता है हर किसी के जीवन में, और उससे रेवेन्यू भी बहुत जनरेट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, तो इसलिए, और विवाह भी हमारे यहाँ बहुत प्रकार से होता है, हर जाति में, हर धर्म में, हर प्रांत में अलग अलग तरीके से विवाह की रस्में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में अलग बहुत सारे प्रकार से विवाह होता है, पंजाब में अलग तरीके से होता है, बंगाल में अलग तरीके से होता है, गुवाहाटी में अलग तरीके से होता है, नाना प्रकार के वहाँ पर प्रचलित तरीके हैं, उन रीति रिवाजों को हम लोग एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी रहेगी, जितने भी प्रकार से विवाह होता है वो सारा हम इस मेट्रोपोलिटन पार्क में दिखाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर अगर आप किसी भी विधि से शादी भी करना चाहते हैं, अपना विवाह करना चाहते हैं, आप चाहे भले ही मुरादाबाद उसके आसपास रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, और आप बंगाल वाली विधि से शादी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर सारी सुविधा आपको उसी विधि की उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी किसी भी तरह की विधि जिसमें आप विवाह अपना करना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह पर मिलेगी। इसके अलावा आजकल जैसे लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन हम उस पर विवाह वाले पोर्शन पर ज़्यादा जोर देंगे, जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप को कंटेन किया जाए, और विवाह जो कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तंत्र है और जिससे परिवारवाद बढ़ेगा, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पर जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक टूरिज्म डेवलप होगा यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट होगा, क्योंकि लोग देखने आएंगे, नई नई चीज़ें होंगी वहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के विवाह होते हैं वो सब एक ही जगह देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा टूरिज्म भी डेवलप होगा, रोजगार इससे डेवलप होगा, लाखों लोगों को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार भी मिलेगा, और एक नई संस्कृति मतलब पुरानी संस्कृति को हम बचाने के लिए एक प्रयास करेंगे। तो मुरादाबाद के किस क्षेत्र में इस बजट का पे काम किया जाएगा? देखिए, इसमें हमने लगभग 100 एकड़ जमीन की गवर्नमेंट से डिमांड की है, बहुत जल्दी ही वो फाइनलाइज हो जाएगी, वो एक बार फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसके प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इसमें बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व रहेंगी, इसमें फाइनेंस की टीम हमारी इन्वॉल्व रहेगी, इसमें मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व रहेगी, मैनेजमेंट टीम इन्वॉल्व रहेगी, और साथ ही साथ इसकी डीपीआर के लिए हमने कंसल्टेंसी से बात भी कर ली है, एक बार जगह हमारी फाइनल हो जाए तो फिर इसके हम डीपीआर बनवा करके और इसको काम को तुरंत शुरू कर देंगे। तो मुरादाबाद पहले से ही पीतल नगर के नाम से मशहूर है, तो क्या इस प्रोजेक्ट के आने के बाद इसकी और वो बढ़ेगी? 100% निश्चित तौर पर, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम एक नई चीज लेकर के आएंगे, और हर व्यक्तिगत रूप से हर किसी के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है, दूर दूर से इसे लोग देखने आएंगे। अब एक चीज और भी है कि लोग यहाँ से जाकर, हमने देखा कि रामनगर जाकर शादियां करते हैं, रिसोर्ट में जाकर शादियां कर रहे हैं, राजस्थान में जाकर शादियां कर रहे हैं राजपूताना कल्चर से, यहाँ तक तो अब तो विदेश में भी जाकर शादियां करने लगे, वो सारी चीजें हम एक ही जगह पर देंगे। रिसोर्ट वाला कल्चर भी हम मुरादाबाद में ही देंगे, राजपूत वाला जो कल्चर होता है वो भी हम मुरादाबाद में ही देंगे। तो हमारी कोशिश है कि भारत के लोग यहाँ आकर के विवाह करें और एक अच्छा डेस्टिनेशन यहाँ पे बन पाए। तो लगभग कितने एरिया में ये पार्क का निर्माण किया जाएगा? लगभग 100 एकड़ की हमारी डिमांड है, 100 एकड़ में लगभग हमें चाहिए भी जगह जिसमें हम इस पार्क को डेवलप कर पाएंगे।